अस्सलाम वालेकुम मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मेरे को ना मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। देखो यहाँ पे कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बिठाते हैं। फिर चलो मैं आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती हूँ अपने स्कूल की। ये देखो, पिछले 5 सालों से देखो कितनी गंदी बिल्डिंग हम थी यहाँ है यहाँ पे। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। वो वहाँ बाहर हमें हमारी क्लास लगती है। देखो कितना गंदा फर्श है हमारा। अब प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और हमें हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें मम्मा मारती है। हमारे पास बेंच भी नहीं है। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। प्लीज़ मोदी जी, आप अच्छा सा बनवा दो ना घर ये स्कूल। देखो हमारा कितना गंदा फर्श है। प्लीज़ मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छा सा बना दे स्कूल। मेरी भी बात सुन लो, इतना गंदा फर्श है इधर। देखो कितना गंदा फर्श है। देखो हमारा कितना गंदा टॉयलेट है और टूट गया है। यहाँ पे देखो हमारी नई बिल्डिंग बन रही है, तो कितना गंदा टॉयलेट है इधर। हमें नाली में जाना पड़ता। चलो मैं आपको रंगी। हमें इस नाली में जाना पड़ता। मोदी जी, आप पूरे देश की सुनती हो, मैं भी एक छोटी बच्ची हूँ, मेरी भी सुन लो और अच्छा सा हमारा ये स्कूल बनवा दो। बिल्कुल सुंदर सा स्कूल बना दो ताकि हमें नीचे टाट पे ना बैठना पड़े, फिर हमें मम्मा ना मारे, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई करें। हमारा स्कूल प्लीज़ अच्छा सा बनवा दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। अब मैं क्या बोलूँ आपसे मोदी जी, बाय। हमारे चैनल सब्सक्राइब करो।